सो डायमेंशन की एप्लीकेशन जानने के बाद और उनके कुछ क्वेश्चंस करने के बाद, है ना, हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, तो वो आप लोगों को पता ही है। बट आज हम लोग उस टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जहां पर मेजरमेंट का खेल है। जो आपके सामने बोर्ड भरा हुआ दिख रहा है और अभी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या क्या चीजें होने वाली है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। ये जो यंत्र आप लोगों के सामने दिख रहे हैं, ये एक स्पेरोमीटर है, ये एक वर्नियर कैलिपर है, ये और कहा गया, ये एक स्क्रू गॉज है, ये एक नॉर्मल स्केल है, बट ये रोलर स्केल आपके सामने रख दिया गया है क्योंकि इससे हम आपको आज मेजरमेंट करना सिखाएंगे। हालांकि ये जब आप लोग में से कोई इंजीनियर बनेगा तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में काफी यूज आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास एक प्लेन मिरर भी है, इसकी हम लोग आज रेडियस ऑफ कर्वेचर नापेंगे। प्लेन ग्लास भी है, इसका और इसका लगभग सेम ही आएगा, राइट। एंड देन आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू मेजर द रेडियस ऑफ दिस वायर, ठीक है, इस वायर का रेडियस कैसे नापेंगे, इन सभी चीजों का आज हम लोग देखेंगे। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर का यूज या इन सभी चीजों का यूज कैसे करेंगे ये भी आएगा, ठीक है। ओके, सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट मेजरमेंट, आप लोगों ने जो आज तक सबसे ज्यादा यूज किया है वो है आपके सामने आपका एक छोटा सा स्केल। आपने ऐसा यूज नहीं किया है, आप लोग अपना 15 सेंटीमीटर वाला स्केल यूज करते हैं, लेकिन आज हम लोग इसका इस्तेमाल करना सीखते हैं। बेटा, इस स्केल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास एक नॉर्मल स्केल जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, इसका लीस्ट काउंट क्या होता है और कैसे होता है। बेटा, लीस्ट काउंट मतलब वो वैल्यू या वो सबसे छोटी वैल्यू जो किसी भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के अंदर होती है, उसे हम लोग उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे इस स्केल के अंदर अगर आपके पास 30 सेंटीमीटर का स्केल है तो आपको यहां पे दिख रहा है कि 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में छोटे छोटे डंडे और लगाए गए, यानी कि 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में कितने डंडे हैं, 10 डंडे, यानी कि वो एक डंडा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए इसका जो लीस्ट काउंट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। आपके पास यहां पर समझ में आ गया है कैसे आया है, नॉर्मल स्केल में तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटा, इसमें दिक्कत नहीं आई, ये जो अवतार है जो मिस्टर वर्नियर साहब ने अवतार किया था, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में अभी मैं आप लोगों को सबको दूंगा, और इवन अगर आप चाहें तो यहां पर क्लास खत्म होने के बाद ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके रीडिंग लेकर अपने दूसरी क्लास में बैठ के, जो क्लासरूम खाली है उसमें आप अपने एक्सपेरिमेंट्स करके और मेरे से रीडिंग चेक करा सकते हैं। यहां पर आप लोगों को इस वर्नियर कैलिपर के दो दांत दिखेंगे, इन दांतों को ऐसे इसके थ्रू निकालकर आराम से निकाला जा सकता है, हिलाया जा सकता है, और ऐसे किसी को मारना हो तो भैया आराम से, अगर टेक्निक हो तो भाई मारा भी जा सकता है, राइट। अब यहां पर बेटा ये वाले जो इसके दांत थे आगे वाले, ये मूव नहीं करते, इन्हें कहते हैं फिक्स जॉज, और ये जो मूवेबल है इन्हें कहते हैं हम लोग मूवेबल जॉज। ये आपके सामने आराम से मूव करते हैं। अब आगे का काम क्या होता है आइए समझते हैं। इसकी मदद से आप किसी भी मेटेलिक स्फीयर की रेडियस निकाल सकते हो, किसी भी सिलेंडर का डेप्थ निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं आइए बताते हैं। मेटेलिक बॉल तो नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी मैंने दिमाग लगाया मेरे पास ऐसी क्या चीज हो सकती है कि जिससे मैं आपको इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस दोनों ही चीजें बता सकूं, तो मैंने उसका एक तरीका निकाला है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। जुगाड़ में हम लोग नंबर एक के आदमी हैं और हम लोग उस जुगाड़ से आज इसका यूज सीखेंगे। बट इससे पहले इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं आइए इसे देख लेते हैं। जितने मैं थ्योरी बता रहा हूं इतने मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, प्लस मैं यहां से देना शुरू करूंगा, आप लोग इतने सभी इसको देखते हुए चलना। यहां पर बेटा दो स्केल आपको दिखाई देंगे, एक ये जो मूव कर रहा था ये वाला स्केल, इसमें कुछ डंडे बने हुए हैं, वैसे अगर काउंट करोगे तो आप पाओगे यहाँ पे 10 डंडे हैं, ठीक है। और यहां पर आपको दो स्केल, ये जो बड़ा वाला डंडा है शाफ्ट जो है, इसमें भी आपको दो स्केल दिखेंगे। नीचे वाला स्केल बेटा सेंटीमीटर स्केल में होता है और ऊपर वाला इंच में होता है। जब आप इसे आराम से मूव करेंगे तो आपको रीडिंग कैसे लेनी है, क्या लेनी है, आइए उस चीज को समझते हैं। इतने में एक बच्चे को दे रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको देखते रहे और यहाँ पे भी समझना है कि लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, इसका क्या होता है, आइए समझते हैं। इसके अलावा दो चीज और बता दूं मैं आपको, वो ये है कि इसके अंदर का, यानी कि वह जो वर्नियर स्केल का छोटा वाला पार्ट है बेटा, इसके अंदर की जो 10 रीडिंग है अभी इस समय पर, जो मेरा मेन स्केल है यानी कि ये बड़ा वाला पोर्शन, अगर आप काउंट करोगे तो उसके 9 रीडिंग के बराबर है। यानी कि मेन स्केल की 9 रीडिंग
बराबर हैं, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल, क्योंकि वर्नियर कैलिपर है तो वर्नियर कैलिपर का जो खुद का स्केल है उसे हम लोग कहते हैं वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल की 9 रीडिंग 10 वर्नियर कैलिपर स्केल के बराबर है। आप लोग यहाँ पर एक एक करके देख लीजिए और मैं आगे यहाँ पर बोर्ड पे शुरू करता हूँ। यहाँ पर बेटा मेरे को दिखा कि मेरे 10 वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहे थे 9 मेन स्केल डिविजन, यानी कि n माइनस 1 ये कंडीशन ली। तो आपके पास साफ साफ पता पड़ गया कि n वर्नियर स्केल बराबर है n माइनस 1 मेन स्केल। vs यहाँ पे वर्नियर स्केल, d फॉर डिविजन। तो n वर्नियर स्केल डिविजन इक्वल टू n माइनस 1 मेन स्केल डिविजन, क्योंकि एक कम है अभी हमारे वाले इस नॉर्मल वर्नियर कैलिपर के केस में। ऐसा जरूरी नहीं है हर बार एक ही कम होगा, जब हम लोग आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बहुत आराम से सारी चीजें पता पड़ जाएगी। तो अगर आपके पास ये n के लिए आ गया तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन अगर निकालना होगा तो आप यहाँ पे 1 रख के n से डिवाइड कर देंगे, नॉर्मल यूनिटरी मेथड। तो 1 वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन n इनटू मेन स्केल डिवीजन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे चलते हैं कि अगर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन अभी हमने देखा कोइंसाइड कर रहे हैं 9 वर्नियर मेन स्केल डिवीजन से, तो इसका मतलब एक वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकालेंगे, n 10 माइनस 1 अपॉन 10 ऐसे निकालेंगे बेटा। तो हमारे पास एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आई हमारे पास 10 माइनस 1 अपॉन 10। तो हमारे पास एक वर्नियर स्केल डिवीजन हमारे पास कितना आ गया 9 अपॉन 10 यानी कि 0.9 mm का एक वर्नियर स्केल डिवीजन है, क्या है सिर्फ 1 BSD। उसके बाद आपके पास आता है लीस्ट काउंट, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो वो रीड कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट। वो कैसे निकालते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो मेन स्केल बिल्कुल सेंटीमीटर स्केल की तरह ही था। मेन स्केल में जो एक रीडिंग थी वो 1 mm की थी, 1 मिलीमीटर की थी। तो बेटा इसका लीस्ट काउंट निकाला जाता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे लीस्ट काउंट निकालने के लिए 1 मेन स्केल डिवीजन यानी कि 1 mm, अभी आपको मैंने बताया 1 मेन स्केल डिवीजन में हमारे पास कितना है 1 mm, माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन अभी हमने निकाला 1 वर्नियर स्केल डिवीजन में 0.9 mm आया। तो 1 माइनस 0.9 करेंगे तो आपके पास आंसर 0.1 mm का आ जाएगा, यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कहां तक नाप सकता है चीजों को 0.1 mm तक। याद कीजिए जो मेरे पास नॉर्मल स्केल था ये सिर्फ 1 mm तक नाप सकता था, अब ये उससे भी प्रिसाइज मेथड है जिससे आप 0.1 mm तक की चीजें नाप सकते हो, 0.1 कह लो या 0.01 सेंटीमीटर कह लो, क्योंकि 1 मिलीमीटर है 1/10 सेंटीमीटर, ये तो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर हमारे पास इसका लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 BSD। निकालने का तरीका एक BSD का n माइनस 1 अपॉन n, ठीक है, यहां से आप एक BSD निकालेंगे उसे मेन स्केल में से माइनस कर देंगे और आपके पास उसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। लीस्ट काउंट को हम लोग वर्नियर कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, कई जगह पर BC भी बोल देते हैं। बात एक आगे देखते हैं कि इसका यूज कैसे आता है। अगले यूज के लिए आप लोगों के जो लैब है वो बहुत अच्छे हैं और फैसिलिटीज वहां बहुत ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ी सी कम है बट काम चलाओ फैसिलिटीज है। अब आप लोगों को एक्चुअल में क्या है कि मैं कहता हूं इससे काम चला सकता हूं, बिल्कुल यहां पर है एक्सटर्नल इंटरनल रेडियस और डेप्थ ऑफ सिलेंडर। ये मान के चलो कि आपके पास एक्सटर्नल रेडियस भी दिखा देगा, इंटरनल रेडियस भी दिखा देगा और डेप्थ भी दिखा देगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले इस मूवेबल वैल्यू की मदद से, ये वाला जो आपके पास नीचे सर्कुलर पार्ट है ये आपको हिलाना है तो आप इसे खोल सकते हैं आराम से, और इसी को जब आप बंद करेंगे तो ये आपका बंद हो जाता है। जब आपने इसे खोला आप इसको इसके अंदर ऐसे फिक्स कर दीजिए, क्या कर देंगे फिक्स कर देंगे, ये आपके सामने फिक्स हो चुका है। जब आप इसे फिक्स करेंगे तो ये आप पकड़ लीजिएगा इसे, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये इस तरीके से फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब आपको अंदर की रीडिंग नापनी है। अंदर की रीडिंग कैसे नापोगे, देखो अब सीधी सीधी बात एक बात तो तय है कि एक कंडीशन ये शुरुआत में तो ये है, शुरुआत में यहां पर अभी इस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 दोनों बिल्कुल आपस में कोइंसाइड कर रहे थे, दोनों बिल्कुल एक ही जगह पर थे, इसका मतलब इसमें कोई 0 एरर नहीं है। अगर
इस स्केल में बेटा मेन स्केल का जीरो और वर्नियर का जीरो कोइंसाइड नहीं करता तो उसमें जीरो एरर आता और ये हम लोग पढ़ेंगे इसको निकालते कैसे हैं और क्या होता है। लेकिन अभी हमारे इंस्ट्रूमेंट में मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर, ये छोटा वाला है वर्नियर स्केल डिवीजन है बेटा और ये बड़ा वाला है ये मेन स्केल डिवीजन, इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है क्योंकि वर्नियर का जीरो और मेन का जीरो बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है। देखो यहाँ पे मैंने इसे फिक्स कर दिया है ऐसे आप लोगों के सामने। अब मेरा ये एक कोई वैल्यू को लेकर आया, अब यहाँ पर कैसे पता करेंगे, देखिए वर्नियर कैलिपर जितना मूव किया था उसको जीरो से लेकर आप मेन स्केल पर देखिए कितना मूव किया है। अगर यहाँ पर आप वैल्यू को चेक कर पाएंगे तो आप पाएंगे कि जो आपका मेन स्केल था ना वो यहाँ पर वर्नियर का जीरो कहां पर लाई कर रहा है ये चेक करना है। वर्नियर का जीरो ये नीचे वाला जीरो होता है बेटा, ये जो नीचे वाला जीरो है वर्नियर का जीरो है और यहाँ पर देखिए 2 से पहले ये 1.5 है और यहाँ पे लाई कर रहा है। अभी जब मैंने रीडिंग ली है ये 1.5 आई है, जब मैंने पहले रीडिंग ली थी तो 1.6 आई थी क्योंकि मैंने अभी थोड़ा ज्यादा प्रेस कर दिया था, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप रीडिंग डिफरेंट आ सकती है। तो मैंने ये नाप दिया और मैंने ये देखा कि जो मेरा वर्नियर का जीरो जहां पे कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से वो वैल्यू कितनी है, तो अभी कितनी आई 1.6, इसमें 5 आई है, यस इसमें 5 आई 1.5 और यहाँ पर आई 1.6 है। तो मैंने ये अज्यूम कर रखा है कैलकुलेशन पहले से ही कर रखी है, बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट क्या है, बट यहाँ पे 1.5 डाल दीजिए, 1.5 जो वैल्यू आएगी वही डालना ठीक है। तो मैं एक्सटर्नल रेडियस नापने जा रहा हूँ, मेरी पहली रीडिंग आ गई है मेरी 1.6, लेट्स से इसे 1.6 आई ठीक है, टू बी ऑनेस्ट 1.5 आई है बट 1.6 आई। अच्छा ये वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे ली जाती है, देखो अब ये स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया, मैं इसे निकाल देता हूं। इसके बाद हमें देखना होता है कि जो हमारा मेन स्केल है हमारा जो मेन स्केल है बेटा वो और वर्नियर स्केल के 10 डंडे किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर बिल्कुल कोइंसाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, ऐसे समझिए कि आपके पास मेन स्केल के डंडे ऐसे हैं, वर्नियर स्केल के डंडे कुछ ऐसे हैं, तो अगर आप इस वाली वैल्यू को उठाओगे तो यहां पर आप देखोगे कि बाकी किसी में तो नहीं था बट इस वाली वैल्यू में मेन स्केल और वर्नियर स्केल क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। अब आप यहां से गिन लेना कि ये कौन से नंबर पे कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल की, तो हम देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे कोइंसाइड कर रहा है, तो यानी कि हमारे पास जो वो नंबर है जिसपे कोइंसाइड कर रहा है वो क्या है 7 है ठीक है। ये कोइंसाइड आपको देखना है, अगर मैं इसमें अभी देखता हूं तो मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग ऐसा कोइंसाइड ये कहां पे कर रहा है 4 पे कोइंसाइड कर रहा है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आ जाएगी जहां पे कोइंसाइड कर रहा है पहले आप उसको नोट कर दीजिए वो वैल्यू कितनी आई 4 है। उसके बाद उस रीडिंग को आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके लीस्ट काउंट से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, और लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं इन सेंटीमीटर ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लीस्ट काउंट आपने निकाल दी तो आपके पास 4 × 0.01 करेंगे तो आपके पास वैल्यू जाएगी 0.04। यहां तक क्लियर है, आपके पास जो टोटल रीडिंग आएगी वो होती है MSR प्लस VSR, यानी कि मेन स्केल रीडिंग में जब आप इस वर्नियर स्केल को रीडिंग को प्लस कर देंगे तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 1.64। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो एक बार और करके देख लेते हैं क्या किया है। बेटा कुछ नहीं किया, मैंने ढक्कन को लिया, वर्नियर कैलिपर को खोला, वर्नियर कैलिपर के अंदर ढक्कन फिट करा, ढक्कन फिट करने के बाद मैंने रीडिंग चेक करी, और हर बार रीडिंग हो सकता है अलग अलग, हो सकता है सेम भी आ जाए बट 3 रीडिंग ले लेना ताकि आप सेफ हो जाओ ठीक है। कैसे आएगी ढक्कन दबाना पड़ा, आप चेक कर लेना बेटा, एरर भी होता हो जाते हैं ना, कई बार ऐसा होता है वैष्णवी बातें कर रही है, वैष्णवी कहती है क्या लगा रही है उधर देख के बात कर रही है तो उससे एरर आ जाते हैं, सिस्टम एरर्स है ना, बैकलैश एरर्स, बहुत सारे टाइप्स ऑफ एरर्स हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी तो इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के दौरान हम लोग रीडिंग लेते हैं क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि भाई तेरी रीडिंग क्या आई है, अच्छा ये मेरी भी यही आ गई, तो हम लोग प्रैक्टिकल वही छाप देते हैं। ऐसे कामों से बचे, अपने आप अपनी मेहनत करें और जो चीज आपको रीडिंग की दिक्कत आ रही है यहाँ पे आराम से बैठ के ले लो, अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना लो और प्रैक्टिकल बंदे बनाओ ठीक है। तो हमारे पास दूसरी रीडिंग जो आई है मेरी 1.6 आई है, इवन 1.7 आ गई है, थोड़ा सा एरर आपको दिख गया है कि आ चुका है। अब 1.7 पे जो कोइंसाइड कर रहा है वो किसी पे भी कर रहा हो, बट जब मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया था वेरी ऑनेस्टली मैंने किया था ये, सो ये 0.01 पे कोइंसाइड लीस्ट काउंट और 7 पे कोइंसाइड किया,
तो मैंने इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करा और इससे जब मैंने 1.7 में 0.07 प्लस किया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 1.77। फिर ऐसी मैंने थर्ड वैल्यू भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से, तो ये चीज हमारे पास क्या आ जाएगी 1.66। फिर मेरे को क्या निकालना है, ये तीन वैल्यू भी आते बड़ी दिक्कत है, बट इसकी असली वैल्यू क्या है मुझे कैसे पता पड़ेगी? तो बेटा ऐसे केस में हम लोग ले लेते हैं एवरेज वैल्यू, जो आप क्लास 10 में भी सीख के आए, मीन वैल्यू कैसे लेते हैं। आपके पास तीन वैल्यू आ गई, तीन का मीन लेके तीन से डिवाइड कर देना, तो आपके पास इसकी एक्सटर्नल डायमीटर आ जाएगी। यही तो है भी हमारे पास डायमीटर, तो ही पूरा था, बट आपको निकालना क्या था रेडियस। तो जो आपके पास आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके पास एक्सटर्नल डायमीटर निकालने का तरीका ये होता है। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? वर्नियर कैलिपर के लिए डिस्काउंट, वर्नियर कैलिपर से एक्सटर्नल डायमीटर कैसे मेजर करेंगे, कर लेंगे इस टॉपिक को। आइए अब देखते हैं इंटरनल रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेरे पास ज्यादा सामान था नहीं, है ना, अभी कभी का लाने का टाइम था नहीं, तो मैंने कहा इससे काम चला लेते हैं। इसकी मैं इंटरनल रेडियस ये देखती हूँ, जैसे हमारे पास इसको ऐसे पकड़ा था, अब आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए और इसको ऐसे पकड़ कर इसको ऐसे खोल दीजिए, हल्का हल्का इसके अंदर रखिए और टाइट कर दीजिए। ये आपने इसकी इंटरनल रेडियस पे दांत मार दिए। जब आपने इसकी इंटरनल रेडियस पे दांत मार दिए तो आप लोगों को फिर से वही काम करना है बिल्कुल सेम, कि भैया इसका जीरो इस बार कहां को इनसाइड हो रहा है वो वैल्यू आपको नोट करनी है। वैसे अगर मैं बताऊंगा तो इसका इस बार आ रहा है 1.2 और इसका जीरो कहां पे, मतलब इसकी मेन स्केल और वर्नियर स्केल कहां पे कोइंसाइड कर रही है, ये मेरी इस टाइम पे वैल्यू कर रही है 6 पे, तो 6 × 0.01 तो कितना वैल्यू आ जाएगा 1.2 इसकी जगह आ जाएगा। ये कोइंसाइड कहां पे कर रहा था 6 पे, उसका लीस्ट काउंट मल्टीपल कर दीजिए, एक वैल्यू ले लीजिए, फिर दोबारा से इसे हटाइए, दोबारा वैल्यू लेके देख लीजिए, चेंज आई ठीक है, वरना तीन वैल्यू सेम आई तो दोनों को तीनों को सेम लिख के आप एवरेज निकाल दीजिएगा, आप इंटरनल रेडियस निकाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक कोई डाउट? तो आपके पास किसी भी गिवन इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल रेडियस निकालना होता है तो आप उसे अंदर वाले जॉ को यूज उल्टा करके कर लें, तो आप इस तरीके से अंदर बाहर कैसे ही करना है वो आपको देख के आराम से कर सकते हैं, कर लेंगे वर्नियर कैलिपर का। अभी तो एक इस्तेमाल और कर सकते, इस सिलेंड्रिकल इंस्ट्रूमेंट का आप डेप्थ भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको इसे कतर करना पड़ेगा और ये आप अपना चप्पू निकाल लीजिएगा, ठीक है? हाँ भैया खेल खेल में मतलब ज्यादा मत करना, किसे गुस्सा आया और हाँ ये इसकी और उसकी मत करना किसी की, इसको भाई बहुत शार्प भी थोड़ा सा प्लीज संभाल के करना काम। वेल यहां से जब आप इसे ऊपर चढ़ा रहे हैं या नीचे निकाल रहे हैं, आप लोग वो वैल्यू लीजिए जहां पर इसकी डेप्थ, अब आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो ये ऊपर चढ़ता जा रहा है, यानी कि ये मेरी डेप्थ को मेजर कर चुका है, वापस नीचे आ जाइए जहां पर ये मैच कर गया, इस वैल्यू को एक बार नोट कर लीजिए। अगेन वही कहानी, इस बार इसने किया है 2.2 समथिंग, हाँ 2.2 समथिंग, ठीक है, और जो मेरी पहली रीडिंग आई थी, मेरा इसका मतलब मैं गलत नहीं था, एक्चुअली मैंने दूसरे गैप से किया होगा, मतलब हो सकता है मैंने ये गैप लिया हो, क्योंकि सारी रीडिंग गलत आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है मैंने दूसरा गैप लिया होगा, है ना, तो इसका मतलब, बट आपको तरीका समझ में आ चुका है क्या करना है। सो 2.6 हमारे पास ये पहली डेप्थ में वैल्यू ली, फिर से वही कहानी, यहाँ पर देखना है मेरे को कि मेरा मेन स्केल वर्नियर स्केल कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, उस वैल्यू को नोट कर लेंगे। सपोज कीजिए 6 पे कोइंसाइड कर रहा है, चलो इस बार तो 9 पे ही किया था, मतलब बिल्कुल एंड में जाके कोइंसाइड किया था, तो 9 पे कोइंसाइड कर रहा है इनटू उसका लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हम लोग निकाल चुके, याद रहे कि आप लोग जो वैल्यूज निकालेंगे वो बिल्कुल सेम रहनी चाहिए, या तो मिलीमीटर में रखिए या फिर सेंटीमीटर में रखिए, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ चुकी है पहली, सिमिलरली दूसरी रीडिंग लेंगे आप 2.7, उसमें हमारे पास 4 पे कोइंसाइड किया होगा और आपका 0.01 और आपका टोटल ही आ जाएगा। सिमिलरली तीसरी वैल्यू लेंगे, फिर उनका एवरेज निकाल देंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, डिवाइड बाय 3 करने पर आप पाएंगे यहाँ पे 8.1/3 और 2.7 आया। अब देखो बेटा यहाँ पर एक चीज जो मेरे को गलत लग रही थी, जो आपको लगनी चाहिए थी, वो क्या है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इसका प्रिसीजन स्केल है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक का है। भाई 0.01 का मतलब क्या है कि अगर कोई वैल्यू आपने अगर स्केल से नापी है तो आप नाप सकते हो कि 1.1 सेंटीमीटर है, 1.2 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा ही नाप सकते, बट इसकी मतलब कितना नाप सकते हो 1.23 सेंटीमीटर या 1.18 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी प्रिसीजन बढ़ गई, जितना पॉइंट के बाद डिजिट हमारी जाती जा रही है हमारी क्या बढ़ रही है, प्रिसीजन बढ़ रही है।
ठीक है। अभी एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, इतना मैं लेके चलूंगा, बट पता नहीं कितना हो पाएगा, भागेंगे नहीं हम लोग, आराम से करेंगे, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये चीज पता पड़ गई, प्रिसीजन आई है वन ईयर कैलिपर से दो वैल्यू तक आनी चाहिए थी, बट हमारा आंसर यहाँ पे एक ही वैल्यू का है बेटा। एक्चुअल में कैलकुलेशन ऐसी आ गई कि हमारे पास इस सबको सॉल्व करके 8.1 आया था, 3 से डिवाइड, एक्चुअली ये क्या है 8.10 2.70, यानी कि परफेक्ट 2.70 का जो है इसका डेप्थ होगा, ठीक है, जो वैल्यू आएगी हमारे पास 2.70 है। तो आप अपने आंसर में ध्यान रखना कि अगर आप वन ईयर कैलिपर दे रहे हो तो पॉइंट के बाद दो जीरो तक एक और जीरो देखिए, 2.70 पे आंसर है, ठीक है। इसलिए मैंने ये पहले नहीं लिखा था, आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को याद है, ताकि आप लोग गलतियां ना करें। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज आपके पास कुछ ऐसा दिखने वाला यंत्र है, ये आपके पास स्क्रू गॉज है, हालांकि थोड़ा सस्ता वाला है, इसलिए इसके यहाँ पर ऐसे जैसे ये आपको ये इसमें दिख रहे हैं, ये जो खांचे से बने हुए हैं ऐसे नहीं है, बट तुम्हें समझाने के लिए मैं बहुत आराम से इससे भी समझा सकता हूँ, जरूरी नहीं है हमारे पास वो चीजें। अब सबसे पहले हमारे पास आता है पिच। पिच क्या होती है, देखो यहां पर जिस तरीके से वहां पे वर्नियर स्केल था, यहां पर भी एक हमारे पास मेन स्केल होता है। क्या होता है बेटा, मेन स्केल। अगर मैं इसे खोल रहा हूं तो आप पाएंगे कि मेरे पास यहां पर जो रीडिंग है ये 0, 5, 10 ऐसे जितने यहाँ पे नंबर लिखे हुए, 25 लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैं खोल जाऊंगा 25 तक आपको ये नंबर मिलेंगे, किसी किसी 15 भी होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मेन स्केल रीडिंग। ये क्या है बेटा, मेरे पास मेन स्केल रीडिंग। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मैं ये वाला पोर्शन घुमा रहा हूँ, ये वाला डिस्प्ले मेरी हुई है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, रीडिंग्स आ रही हैं। इसे हम लोग कहते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। क्या बोलते हैं बेटा, सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब मैं सर्कुलर स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग की मदद से आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक सिलेंड्रिकल वायर, इस छोटे से वायर का रेडियस या डायमीटर जो भी आपको निकालना है निकाला जा सकता है। यूज करने का तरीका पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसके पिच क्या होती है और लीस्ट काउंट समझ लेते हैं। कहानी वही है कि इस सिलेंड्रिकल वायर को आपको इसके इन दो भागों के बीच में फंसाना है, ठीक है, शुद्ध हिंदी का प्रयोग मैं कर सकता हूं। और जैसे ही आपने फंसा दिया तो आप लोग घुमाएंगे इसे अच्छे से, और अब ध्यान सुनना, आपको एक आवाज आने वाली है, आ रही है, ये मैं कर रहा हूं बट तुम लोग कर मत कर देना। ये कर करने का मतलब है जब ये आवाज आएगी ये रेस्टेड होता है, और जब ये बोलता है कट, इसका मतलब है रुक जा और नहीं करना है, इसका मतलब रुक जा। कहीं मजा आ रहा है, छोड़ देना भाई, एक तो इंस्ट्रूमेंट है, जहां पे वैल्यू आ गई है आप इसे छोड़ दीजिए, ये कह चुका है बस, हमने पकड़ लिया, हम नहीं छोड़ेंगे, देख नहीं छोड़। इसके बाद आपको रीडिंग नोट करनी होगी। रीडिंग नोट करते समय आपको देखना होता है कि आपके मेन स्केल पर वैल्यू कितनी आएगी। तो यहां पर अगर आप देखोगे सिर्फ दो डंडे आ रखे, यानी कि मेन स्केल पे हमारे पास 2 mm की बात आ चुकी है, और मेन स्केल के बाद आपको देखनी रीडिंग सर्कुलर स्केल पे। सर्कुलर स्केल पे जब इसमें कोई जीरो एरर था, यानी इसमें कोई एरर नहीं था, अभी आपको दिखाऊंगा इसमें जीरो एरर, बिल्कुल सेम उस तरीके से देखना, तो जीरो एरर, यानी कि इसके जीरो मेन स्केल का और सर्कुलर स्केल का कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी एरर हमारे पास अभी नहीं है। अब आपको देखना है कि जो मेन लाइन है, ये हमारी एक मेन स्केल की लाइन आएगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसे तो बेटा आपके पास दो लाइन नहीं, एक तो मेन स्केल की लाइन और एक ये जो इसके ऊपर सर्कुलर घूमेगा, इस पे वैल्यूज ये ऐसे, ये इसमें पूरे 1 से लेकर 100 तक लाइनें दी, और ये कौन सी वाली लाइन है, इसमें 0, 5, 10 1 mm की जो लाइन है वो मेन स्केल लाइन, ठीक है। जब आप इसे घुमा के बैठ चुके होंगे तब आप देखना कि अब मेरी सर्कुलर वाली जो लाइन है, सर्कुलर वाला जो नंबर है, सर्कुलर पोर्शन मतलब जिसमें 1 से लेकर 100 तक, ये मेन स्केल की कौन सी वैल्यू पर लाई कर रहा है। तो अभी मेरे पास यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो बेटा अभी मेरे पास लाई कर रहा है 51 पे, ठीक है, ये आपको आराम से दिख जाएगा, आंखें सही रखना, ठीक है ना, और ऑब्जर्वेशन ध्यान से लेना, 51 पे लाई कर रहा है, यानी कि मुझे पता पड़ गया कि जो इसकी पहली वैल्यू आई है मेन स्केल पे कितनी आई है, 2 या 1, जो भी वैल्यू आएगी मुझे नहीं पता, और अभी जो हमारे सर्कुलर स्केल पे आई है कितनी आई है, 51 आई है। ऐसे करते करते आपको दोबारा से वही काम करना है, 3 रीडिंग लेनी है, फिर इसके जो आपके पास सर्कुलर स्केल पे रीडिंग आई है वो लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे हमने वहां पे करा था, ये काम सब में आपको करना पड़ेगा।
आइए अब देखते हैं करना क्या है। सबसे पहले पिच क्या होता है, पिच में बात करता हूं तो बेटा ध्यान सुनना, अगर आप लोगों को पहले मैं बता देता तो पिच यहाँ पर दूसरा स्क्रूज होता है, उसमें यहाँ पे ऐसे थोड़े से क्रिसेंट टाइप के शेप्स होते हैं, उसमें दो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू क्रिसेंट, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जैसे खांचे से बने हुए हैं, इन एक खांचे से दूसरे खांचे तक के डिस्टेंस को पिच कहते हैं इन नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि पिच को समझने के लिए हमारे पास वही स्क्रूज होना चाहिए भाई, अगर इसका नाम भी स्क्रूज दे रखा है तो हम इसमें पिच निकाल सकते हैं। अब आइए मैं आपको बता देता हूँ पिच कैसे निकालते हैं। देखिए आप लोगों को पता है कि अगर मेरा इस समय अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर बेटा जीरो जीरो के साथ कोइंसाइड कर दो, पता नहीं मुझे स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट यहाँ पर बिल्कुल आप देखोगे तो जीरो जीरो से कोइंसाइड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जिसे देखना है देख लो, जीरो जीरो से कोइंसाइड कर रहा है, नीचे करें दिख गया जीरो जीरो से कोइंसाइड कर रहा है, चलो कोई बात कोई बात नहीं, तुम्हें दिख रहा है तुम्हें पता है जीरो जीरो से कोइंसाइड कर रहा है, कहानी खत्म। अब ये जब जीरो जीरो से कोइंसाइड कर रहा है, मैं कह रहा हूं मुझे एक कंप्लीट रोटेशन करना है, इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूं और अगली बार जब मैं वापस उस जीरो को मेन स्केल पर लेके आऊंगा, क्या करा है मैंने वापस एक चक्कर घुमाया और वापस उस जीरो को घुमाकर मैं वहीं पर लेकर आ गया, यानी कि मैंने 100 डिग्री 100 बार यानी कि 100 है ना सर्कुलर स्केल पर 100 रीडिंग है, और 100 रीडिंग घुमाने पर अगर आप नीचे देखोगे तो जीरो से लेकर 1 वैल्यू तक पहुंच गया, समझ में आई, यानी कि एक रोटेशन पर 1 mm घूम चुका है, एक बार घुमाने पर 1 mm की डिस्टेंस कवर कर चुका है। अब ये जो डिस्टेंस है इस चीज को लोग पिच कहते हैं, पिच क्या है, डिस्टेंस मूव 1 mm अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, कितना रोटेशन किया एक, तो इसका पिच 1, भाई 1 की वैल्यू क्या है वो हम लोग देखेंगे, पिच समझ में आया, कितनी डिस्टेंस मूव करी 1 mm मूव करी, कितने रोटेशन में एक रोटेशन में, जिसकी पिच कितनी आ गई 1, पर 1 की वैल्यू क्या होगी यूनिट क्या होगी आइए देखते हैं। अब इसका मतलब मुझे लीस्ट काउंट निकालना है, तो जो इसकी पिच है, पिच मतलब डिस्टेंस मूव, कितना डिस्टेंस इसने मूव किया है बेटा 1 mm, 1 mm का मतलब कितना हो गया 0.1 cm, और मेरे पास सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन थे 100, अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहां पे 0 से लेकर 100 तक है, तो जब आप उस लीस्ट काउंट को निकालते हैं जो आपने डिस्टेंस मूव करी है कि 0.1 mm अपॉन में जितने इसके डिविजन्स हैं सर्कुलर डिविजन कितने हैं 100, तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0.1 cm, यानी कि 1 mm अपॉन 100 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा लीस्ट काउंट। वहां क्या किया था हम लोगों ने लीस्ट काउंट निकालने के लिए 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन निकाला, याद है वहां पे हमारे पास वैल्यू कितनी थी 0.1 mm आई थी, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं 1 mm अपॉन 100, हालांकि हम लोग इस मेथड को डायरेक्ट यूज करके भी निकाल सकते हैं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो 1 mm हमारे पास इसकी वाली वैल्यू जिसने मूव करी थी अपॉन में कितने सर्कुलर डिविजन है 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ mm 0.01 mm इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा, और इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर 0.001 आपके पास स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट आ जाएगा, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं अब आप, कितना डिस्टेंस मूव किया अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, ये उसका लीस्ट काउंट है, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत वाली चीज है नहीं। अब हम लोग देखते हैं मेजरमेंट कैसे किया, तो बेटा मेजरमेंट वही करना है जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले एक वायर को डाल दीजिए, वायर को जब आप इसके अंदर डालेंगे, वायर को जब आप इसके अंदर डालेंगे, अगर किसी को भरोसा ना हो तो वही देखने आ जाओ, आज आ भी रहे अपने शर्म नहीं, आ जा बेटा आ जा, शर्म किस बात की पड़ेगी, इधर ही दिखा दें, अच्छा ये देखो ये जो वैल्यूज हैं अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो पहले इसके लिए जब मैं वायर को नाप रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 3 डंडे आ रखे हैं 1, 2, 3, यानी कि मेन स्केल पे मेरी 3 रीडिंग, ये गिर गया इसका मतलब मुझे टाइम करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कट कट की आवाज नहीं करी, तो इसलिए आपके ये एरर्स करने से बचे जो मैंने अभी करा सर, हम ज्यादा घुमा देंगे तो क्या होगा, ज्यादा घुमा देंगे तो बेटा होगा तो कुछ नहीं जाएगा ही, बस ये इतना ही जाएगा है ना, आप वो यहाँ से करोगे तो फिर एरर आएंगे, फिर तो दिक्कत आएगी हमारे मेजरमेंट में खराबी आएगी, इसका मतलब तुम गलत मेजरमेंट कर रहे हो, इसका ये देने का रीजन ये जो रेशेट बोलते हैं इसको, इसको देने का रीजन समझ नहीं आया, और क्या उसने कह दिया लिमिट खत्म बस, बेटा देखो यहाँ पर अब घटके 2.5 हो गया है,
और तीन आपको यहाँ पे मैंने दे रखा है तीन। तो एक्चुअली क्या है कि जब हमने इतना पिचकारी तुम्हारे कहने पर तो इसकी डायमीटर घट गई, इसलिए अब ये जो है 2.5 2.6 आया, 2.6 तो है नहीं क्योंकि इतनी डिस्काउंट इसकी है नहीं, एमएम में ले रखे हैं। तो अभी मैंने तीन ले रखा है, मैं तीन के हिसाब से सॉल्व कर दूं चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। हालांकि अभी इसमें दो से थोड़ा सा आगे आ रहा है, बट वैल्यू मैंने तीन की ले रखी है। तो ये यहाँ पे हमारे पास है एमएसआर में तीन, मेंस के रीडिंग में तीन आए ना, जैसे मैं ये घुमा रहा था, तो ये वैल्यू कितना है मेरे पास यहाँ पर मेंस के रीडिंग में थ्री। अब सर्कुलर स्केल में जब हमारे पास वैल्यू है तो कितनी आ रखी है, देखो इसमें 32 आ रखी है और अभी जब मैंने किया तो हर बार चेंज आएगा, अभी मेरे पास 41 आया। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ सर्कुलर स्केल, वैल्यू 41 है, आप यहाँ पे 41 लिख दीजिए और इसके डिस्काउंट से मल्टीप्लाई। सर्कुलर वाली वैल्यू दिखाना, ये लो बेटा आप खुद ही देख लो, आप देखो कि सर्कुलर वाली वैल्यू कहां पर कोइंसाइड कर रही है। तो जहां पर सर्कुलर की वैल्यू कोइंसाइड करेगी उस वैल्यू को आप नोट कर लीजिएगा और उसके डिस्काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद टोटल रीडिंग लेने का तरीका बिल्कुल सेम वही है कि इसको प्लस कीजिए इसके साथ तो आपके पास एक वैल्यू आ जाए। ऐसे स्टेप को आप तीन बार करेंगे, तीन बार करने के बाद आप एवरेज निकाल लेंगे और एवरेज निकालने पर आपकी वैल्यू 0.333 सेंटीमीटर आ जाएगी। और इस तरीके से हम लोग स्पैरोमीटर सॉरी स्क्रू गॉज का इस्तेमाल करते हैं। इसकी रेडियस डायमीटर निकलेगी ना? हाँ बेटा, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास पूछा जाता है कि आप लोगों ने कैसे निकाला है और कैसे आप निकालेंगे, इसको डिवाइड बाय 2 कर देना है। बदलता भी रहता होगा, हम कितना होता है बेटा, जब हमने 3 निकाले तो 4 पे भी हो सकता है। हाँ थोड़ा सा मोटा वायर ले ले, 4 आ जाएगा। अब 4 वाला दिखाऊं, मेरा चार्जर का ले लेते हैं, इसका देखिए चेंज आ क्या चेंज आता है, लाइट करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सारी नॉर्मल चीजें हैं। अब यहां तक मेरे को देखना है तो मेरा ये गिरेगा नहीं अभी क्योंकि तो कट की आवाज आ गई है और इसकी जो थिकनेस है उससे थोड़ी सी मोटी, जो मैंने वायर लिया था उससे थोड़ी सी मोटी है। तो इस तरीके से इसकी ये रीडिंग लीजिए और आप अपना आराम से भी ये देखिए कि वन मेन स्केल और सर्कुलर स्केल कहां पे कोइंसाइड कर रहा है, उस वैल्यू को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों वैल्यू को ऐड कीजिए और अपने आंसर आप निकाल लीजिए। निकाल पाएंगे कोई दिक्कत तो नहीं, स्क्रू गॉज का काम समझ में आ गया है कैसे करते हैं, दिस इज हाउ स्क्रू गॉज वर्क्स। नेक्स्ट वन मोर इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट जो आपके सामने बड़ा अच्छा सुंदर सा दिख रहा है, ये है स्पैरोमीटर। क्या है बेटा ये हमारे पास स्पैरोमीटर? बेटा स्पैरोमीटर का लीस्ट काउंट बिल्कुल सेम है एज कंपेयर टू स्क्रू गॉज। क्यों सेम है आइए बताते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे तो इसका ये जो हेड है स्पैरोमीटर का, ये जो हेड है इसके जीरो को आपको कोइंसाइड कराना पड़ता है इस लीनियर स्केल के जीरो के साथ। तो अगर मैं इसका जीरो ढूंढूंगा, अभी मैं आप लोगों को सारे इंस्ट्रूमेंट्स दे दूंगा, उसके बाद आप लोगों ने खुद करके देखना है और रीडिंग खुद निकाल के तब कर जाना है। तो यहाँ पर अभी मेरे पास जीरो जीरो से कोइंसाइड हो चुका है और इस समय पर जब ये खड़ा होगा यहाँ पर एक प्लेन सरफेस पर तो बिल्कुल परफेक्टली, अगर कैमरे में देख पा रहे हैं ठीक है पता नहीं, बट यहाँ पर बेटा बिल्कुल अच्छे से खड़ा है तो ये हमारे पास इस समय बैलेंस कंडीशन में और इस समय तो रहेगा। लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका हर बार सरफेस बिल्कुल ऐसी प्लेन मिले, इरेगुलरिटीज तो बहुत सारी हो सकती हैं। तो जो इरेगुलरिटीज आती हैं उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी वो आज हम लोग देखेंगे। इस स्पैरोमीटर का इस्तेमाल हम लोग इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताने के लिए यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे आइए देखते। सबसे पहले तो इसका लीस्ट काउंट बराबर क्यों आता है, तो बेटा देखो इसके जो सर्कुलर स्केल है इस पे भी हमारे पास 100 डिवीजन, कितने डिवीजन हैं 100 डिवीजन है, और इसका भी जब आप इसे एक बार जीरो से घुमाकर वापस जीरो पर लेकर आते हैं तो बेटा जो आपका एक बार जब आपने इसको घुमा दिया इसे और वापस आप इसे पकड़कर जीरो पर लेकर आओगे तो बेटा जीरो पर लाने से क्या होगी, 1 mm नीचे की सच है, यानी कि एक पिच तो हमारे पास नीचे गई और इसके डिवीजन कितने हो गए 100, तो इसका लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा 1/100 इन टर्म्स ऑफ mm, क्योंकि जो हमारे पास ये वाली लेंथ है किसमें हमारे पास mm में है, तो इसका जो लीनियर स्केल है किसमें दे रखा है आपको mm में दे रखा है, यानी कि इसके बीच जो डिवीजन है वो अपनी कितनी है 1 mm ही है। तो इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे, 1 mm अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, तो कितना आ जाएगा 1/100 और आपके पास 0.01 आपके सामने आ जाएगा।
इन टर्म्स ऑफ एमएम और सेंटीमीटर में डिवाइड बाय और 10 कर देंगे तो 0.001 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या वैल्यू चेंज हुई, जब हमारे पास स्केल की काउंट किया तो 1.1 सेंटीमीटर यानी कि एक वैल्यू तक आ रही थी, जब हमने वर्नियर कैलिपर को यूज किया तो हमारे पास दो दो वैल्यू तक हमारे पास आंसर आया था, ठीक है। ये तो 8.4 तक ही आएगा, ये कैलकुलेशन में तब तक लिख दिया, मतलब ये वैल्यू आप करा देखो 0.69 हमारे पास यहां तक आएगी। अब इसमें जो वैल्यू आई है देखिए 0.3 डिजिट तक आई है, इट मींस अब हमारा प्रिसीजन और बढ़ गया है। अब हम लोग लास्ट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास क्या है बेटा स्क्रू गॉज और सॉरी स्पेरोमीटर। तो स्पेरोमीटर मेरे को इस शीशे का रेडियस नापना है, कैसे नापेंगे आइए देख बेटा। इसके लिए पहले एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिए, जिसको पढ़ना है क्लास के पूछना है, सजेटर थ्योरम है वो आप लोगों के सिलेबस से बिल्कुल ही बाहर है। तो सजेटर थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, कॉर्ड बाय टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है कुछ मैं सजाइटा, सजाइटा होता है हाइट जो आपको मतलब बेसिकली निकालनी है, सजाइटा ब्रैकेट में 2R-H यानी कि डायमीटर माइनस सजाइटा। तो ये आपके पास बहुत बेकार सी वो है वैल्यू, अगर मेरे को लिखने के लिए बोलते हो तो लिख दो, वरना कोई जरूरत तो है नहीं, तो आपके काम भी नहीं आनी। तो ये वैल्यू वहां से आते सजाइटा थ्योरम से, ठीक है, सजाइटा मीन्स हाइट। तो बेसिकली आप लोगों को ये रेडियस अगर निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर बाय 6H प्लस एच बाय 2, आपको बस इतना याद रखना है, इतना याद रखते हैं वैल्यू। अब निकालेंगे कैसे देखिए, सबसे पहले तो मेरे पास एल क्या होता है, एल होता है लेंथ बिटवीन एनी ऑफ द टू लेग्स, कोई से भी दो लेग्स की वैल्यू आप निकाल लीजिए, भाई तीन बीच वाले की नहीं, बीच वाले को मत गिनना क्योंकि बीच वाला तो वेरिएबल है, उसको आप ऊपर ले जा सकते हो ऐसे करके, ये देखो ऊपर जा रहा है ना, इसको आप नीचे ही बुला सकते हो, लेकिन ये तीन इनके बीच की डिस्टेंस है आपके पास क्या है एल। अब हमें क्या पता कि ये कितनी वैल्यू है, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बेटा इसका एल कैसे निकालेंगे आइए देख लेते, आपके सामने ये पेपर है, मैं अपना बोर्ड खराब नहीं कर सकता था तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, मैं इस पेपर पे करके दिखा देता हूँ आपके सामने ये पेपर, इस पेपर पर आप इस स्पेरोमीटर को ऐसे रखेंगे और आप जब इसे अच्छे से प्रेस करेंगे ना तो आपके सामने तीन डॉट दिख जाएंगे, अभी नहीं दिख रहे होंगे बट मेरे को पता है कसम से दिख रहे हैं आप, ठीक है। और आप इन तीन डॉट को मिला देंगे विद द हेल्प ऑफ पेन, आप इन तीन डॉट को मिला देंगे और जब आप इन तीन डॉट को यहां पर और यहां पर इन तीन डॉट को मिला देंगे तो आपके पास एक ट्रायंगल आ जाएगा और वो कुछ इस तरीके का होगा, ये देखिए मैंने पहले से मिला, तो ये आपके सामने एक ट्रायंगल, ये देखिए ये स्फेरोमीटर इसी का है, कसम से यकीन कर लो यार मेरी बातों को, अब मैं कहां कहां पे रखूं तुम्हें, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट वही वैल्यू है, ठीक है इसी की वैल्यू है, तो इसी ट्रायंगल की मैंने वैल्यू राइट। अब मैंने जब इन तीनों को जोड़ा उसके बाद मैंने अपने स्केल की मदद से इसकी डिस्टेंस मेजर करी कि कहीं कोई एरर तो नहीं है, तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा गलत, तो मेरे को इधर 3 दिखाई दिया, इधर 3.1 मिला, इधर 3.1 मिला। जब मैंने 3.1 मिला तो अब मेरे को दिक्कत तो आई गई, तो मुझे अब क्या निकालना पड़ेगा, इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, 3.1 और 3 ये जो वैल्यू आई थी इसको डिवाइड बाय 2 कर दूंगा और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.066। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। तो जो यहां पर एल यूज होना था इसको कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेरोमीटर आप लोग समझ चुके हैं। अब बात आती है हमारे पास एच क्या होता है और हाइट कैसे निकालना है, यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करा होगा बेटा, मैंने आंसर 2 की टर्म्स में लिखा है, डिवाइड बाय 3 है, वैल्यू चेक कर ले यार कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाय 3 है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एवरेज निकालना तो आता है, आई एम सॉरी फॉर दैट बट ठीक है कोई इशू नहीं। हाइट निकालने की बात अगर हम लोग करते हैं तो हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स। अभी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप लोगों को दिख रही है इस लेग के बीच में, अब ये कैसे निकालेंगे आइए देखिए। एक्चुअल में आपको क्या करना है कि आप लोगों के पास ये प्लेन सरफेस है, जैसे जैसे आप लोगों को एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास व्यवस्था बढ़ती जाएगी और हम लोग थोड़ा कर्व सरफेस पे भी ले आएंगे, बट अभी के लिए हमारे पास प्लेन सरफेस है, हम लोग इस पे अपना काम चला सकते हैं। क्या करना होता है आइए आपको बता देते हैं, कोई आना चाहेगा यहाँ पर या मैं बुलाऊं, बैठा रहे खड़ा होना है, तो ये जो मिस्टर हैं आपके दोस्त
साहिल जी आगे आ जाए बेटा, इतना क्यों घबरा रहा है, मैं मास्क लगा रहा है तो बाहर हो गया चले। अब बेटा मैं इस स्पेरोमीटर को पहले यहाँ पर इसके ऊपर रखूंगा, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो कह रहे हो खड़ा हो गया, बढ़िया लग रहा है, मस्त बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। लेकिन क्या ये बिल्कुल सही तरीके से खड़ा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको इस पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ये पेपर इनमें से किसी भी एक के अंदर से जा रहा है, इसके अंदर से नहीं जा रहा, इसके अंदर से नहीं जा रहा, इसके अंदर से नहीं जा रहा, पर बीच वाले के अंदर से, ओहो ध्यान से देखना बेटा, बीच वाले के अंदर से तो बिल्कुल आराम पार ही हो रहा है, यानी कि तो बड़ी दिक्कत है, यानी कि हमें अभी रीडिंग सुधारनी पड़ेगी। भले ही हमें दिख रहा है खड़ा हो गया है, बट ये सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस वाली वैल्यू के अंदर से पेपर हमारा पार हो रहा है, ये देख पा रहे हो आप आराम से, देख रहे हो ना पार हो रहा है, तो ये भी पार हो रहा है, इसका मतलब हमें वैल्यू सुधारनी पड़ेगी, ये हमारी चीज गलत करी जा रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, हाँ बेटा बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है, इसको नीचे करना ही है, तो इसको अब मैं धीरे 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 नीचे करता हूँ, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं कर देना कि ये वैल्यू तो नीचे आ जाए, आप इंटरनेट रख जाए, ठीक है। अच्छा अभी चेक करते हैं क्या ये वैल्यू सही है, तो देखो ये वाला ठीक है, ये देखो ये गलती हो जाएगी, अब इससे हिल गया, अब इसके अंदर से जा रहा है इस डंडे से, बोल दे क्या बोल रहे, थोड़ा सा नीचे करो, थोड़ा नीचे करो भाई, कहाँ पकड़ रहा है, देखिए अब ठीक है, ढंग से पकड़ ले बेटा, नुकसान मेरा ही होगा। तो बेटा यहाँ पर देखो इसके अंदर से तो नहीं जा रहा, पर इतना नीचे कर दिया आपने, बीच वाले के अंदर से जा रहा, पर अब इसके अंदर से जा रहा है, यानी कि अब भी एरर, तो हमें इस एरर का ध्यान रखते हुए काम करना है, और इसके अंदर से नहीं जा रहा, अब क्या एरर एक में, तो हल्का सा इसे अगर मैं खोल देता हूँ तो अब मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अब ना तो इसमें से जा रहा, ना इसमें से, ना इसमें से, और ना इसमें से, तो आप लोगों के सामने ये एक तरीके की वैल्यू मैंने निकाल दी है, और ये जो वैल्यू आपकी आई है, ये जो वैल्यू आपकी आई है, इस वैल्यू पे आप लोगों को इस पैरामीटर को उठा देना है, बड़े ध्यान से इसको रखना है, क्योंकि ये टूट सकता है और आपके चोट लग सकती है, आप जाकर सीधे बैठ सकते हैं, आपका काम समाप्त हो चुका है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इसकी रीडिंग को नोट करना है, रीडिंग कैसे नोट करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिसको भी देखना है देख लीजिए कि आपके पास जो लीनियर स्केल है बेटा, इस लीनियर स्केल में तो मूवमेंट हुई नहीं है, वो जीरो से लेकर वन तक के बीच में ही, यानी कि नो मूवमेंट हैज बीन सीन इन टर्म्स ऑफ लीनियर स्केल, बट ये जो आपके पास सर्कुलर स्केल है, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो 60 के ऊपर दो और है, 62 पर इसका जीरो कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि सर्कुलर स्केल जिस लीनियर स्केल की वैल्यू पर जहां पर इसका जीरो कोइंसाइड कर रहा है वो वैल्यू आपको नोट करनी है, यानी कि अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो इसका जीरो कहीं ना कहीं 59 या 60 जो भी वैल्यू आपके पास आ रखी है उसको आपको नोट करना है और आपको वो रीडिंग ले लेनी है। आइए अब रीडिंग लेते समय क्या क्या ध्यान रखना है ऐसे देखना है। तो मेरे पास मेन स्केल रीडिंग में तो जीरो से लेकर एक तक तो गया नहीं, तो यानी कि मेन स्केल रीडिंग तो मेरी जीरो रही, आप लोगों के सामने दिखा चुका हूं, बट जो सर्कुलर स्केल रीडिंग थी उसमें हमारे पास 62 हमने देखा वो कोइंसाइड कर रहा है जीरो के साथ, तो जो कोइंसाइड कर रहा है उस वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास एक वैल्यू आ गई। सिमिलरली मेरे पास यही काइंड दूसरी बार होगी, दूसरी बार रिपीट करने के बाद यही ऑप्शन करने पड़ेंगे, तीसरी बार करने के बाद यही ऑप्शन करने पड़ेंगे, फिर मैं एवरेज निकालूंगा और मेरे पास एवरेज वैल्यू हमारे पास हाइट की आ जाएगी। उसके बाद इस फॉर्मूले में एच भी आ गया है, एल भी आ गया है, अब आपके पास आर निकालने के लिए आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहां तक क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने तीन इंस्ट्रूमेंट, यही चार, मीटर स्केल, स्क्रू गॉज, स्पैरोमीटर और वर्नियर कैलिपर। एक बात और पढ़ लेते हैं, जीरो एरर क्या होता है, उसके बाद छोड़ दूंगा, इतना क्यों परेशान हो रहे हो। जीरो एरर की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने आपको बताया जिस तरीके से यहाँ पर भी जीरो एरर हो सकता था, अगर इस सर्कुलर स्केल का लीनियर स्केल से जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो एरर। सिमिलरली इसका अगर जीरो जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो जीरो एरर। सिमिलरली इसका इसका जीरो जीरो एरर कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो जीरो एरर। इसके केस में लेके चलता हूँ कि जीरो एरर कैसे काउंट करेंगे। अब अगर वर्नियर कैलिपर के मान के चल लीजिए कि आपका इसमें डिफेक्ट है, इधर जा ही नहीं रहा है, और आपने रीडिंग मतलब यहाँ से हमारे पास एक नॉर्मल पोजीशन है इसकी वर्नियर कैलिपर की, बट आपसे किसी ने जो है इधर जा ही नहीं रहा है, और इसमें ये चीज आ गई कि इसका जो वर्नियर कैलिपर है स्लाइटली राइट की तरफ शिफ्ट हो रखा है, राइट, तो इससे मतलब इसमें जीरो एरर है। अब ये जीरो एरर कितना है, कैसे निकालेंगे, ये भी पता होना चाहिए। तो बेटा वही कहानी है इसमें भी सेम, पहले आप देख लीजिए कितनी वैल्यू आपके पास
यहाँ पर कौन सी वैल्यू कोइंसाइड कर रही है, कोइंसाइड वाली वैल्यू आपने निकाल ली है, और देखिए कि क्या बहुत मतलब एन की वैल्यू वन के पार हो, मेन स्केल में वन के पार हो रही है, हालांकि इतना ज्यादा नहीं किया है मैंने, जीरो पॉइंट कुछ में ही रखा है, तो एन लेने की जरूरत नहीं है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, प्लस एन क्या है हमारे पास, वो वैल्यू जो कोइंसाइड कर रही है वर्नियर स्केल की किसके साथ, मेन स्केल के साथ, आप उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए लीस्ट काउंट के साथ, आपके पास एक आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका आंसर आएगा आपको याद रहे, अगर आपका वर्नियर कैलिपर राइट की तरफ शिफ्ट है तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा उसमें से आपको ये जीरो एरर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो ऑब्जर्वेशन ली है वो यहां से शुरू करी, समझ रहे हो, तो आपके पास जीरो एरर की वैल्यू तो पॉजिटिव में आएगी, बट उसका जो जीरो करेक्शन होगा वो आप एक्चुअल लेंथ, सपोज कीजिए इसकी एक्चुअल लेंथ आई थी हमारे पास जो भी वैल्यू आई है, तो इसमें से आपको जीरो एरर माइनस करना पड़ेगा। जीरो एरर कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जीरो एरर निकालने के लिए हम लोगों को किसी भी कोइंसाइड वाली वैल्यू से लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और जब हम लोग कोइंसाइड वाली वैल्यू को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास जीरो एरर आता है। सेम यही फंडा है इसका, इसमें क्या करेंगे कि किसका जीरो इस बार क्या देखेंगे, सर्कुलर स्केल पे कितने के साथ आ रहा है, भाई अगर तीन चार नीचे है या पांच दस नीचे, जितने भी नीचे है मतलब मेन स्केल से, उसका जो जीरो है वो कितनी दूरी पर है, उस वाली वैल्यू को नोट कर लेना, इसके डिस्काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास इसका जीरो एरर आ जाएगा। अगर वो ऊपर है तो जीरो करेक्शन में माइनस कर देना, अगर वो मेन स्केल से नीचे है तो जीरो करेक्शन में प्लस कर देना। सेम वैल्यू इसके साथ इसका जीरो एरर आएगा, अगर वो नीचे की तरफ है तो जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा उसे प्लस कर देंगे, और अगर वो अगर ऊपर की तरफ है इसका जीरो एरर तो जो फाइनल वैल्यू आएगी उसमें से माइनस कर देंगे। दिस इज हाउ टू रिड्यूस जीरो एरर। दिस वाज ऑल रिगार्डिंग टुडेज क्लास, जिसमें आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर, स्केल, मीटर स्केल, स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर के बारे में पढ़ा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी को एक्सपेरिमेंट करना है तो आप ये उठाकर दूसरे क्लासरूम में जाकर कर। कौन सा कैपिटल एन, तो मैंने जो मेन वैल्यू मतलब पूरी बड़ी वाली रीडिंग में जो आएगी, मेन स्केल में जीरो से लेकर वन तक पहुंच गया तो वन वैल्यू आएगी, अदरवाइज जीरो रखेंगे।